तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये चार्जिंग के ऊपर है। आज का टॉपिक जो होने वाला है ये चार्जिंग के ऊपर है कि हम लोग चार्जिंग के जो प्रॉब्लम को वो डीसी सप्लाई मशीन से कैसे चेक कर पाएंगे, मतलब चार्जिंग की जो समस्या आती है इस चार्जिंग की समस्या को हम लोग डीसी सप्लाई मशीन से कैसे चेक कर पाएंगे, इसके बारे में मैं आज आपको वीडियो आपको देने वाला हूं। इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल भी करा के दिखाऊंगा और उसको समझाऊंगा भी, और कैसे प्रॉब्लम आती है उसको कैसे चेक किया जाता है। कि आपके पास कोई भी कस्टमर यदि मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आता है, एग्जाम्पल की बात है, जैसे शॉप पे कोई भी आदमी आया, कहता है मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में भैया देखो चलते चलते बंद हो गया है, इस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही, चार्जिंग बता नहीं रहा, ऐसा कुछ भी अगर आपके सामने समस्या बताता है। दूसरी बात क्या है, मैं आपको उस समस्या के बारे में बताने वाला हूँ कि जैसे आजकल जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं उसमें एक और प्रॉब्लम आती है, बैटरी स्टोर नहीं होती, कि बैटरी चार्ज स्टोर नहीं होती, कि जैसे 10% और 80% है उससे ऊपर नहीं जा रही है, ये चार्जिंग तो बता रहा है लेकिन बैटरी भर नहीं रही है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका भी आज सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ कि चार्जिंग की समस्या को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चार्जिंग के जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें चार्जिंग के सप्लाई का सर्किट क्या होता है, कि सबसे पहली बार जो सप्लाई आती है वो तुम्हारे कहाँ पर आती है, चार्जिंग जैक पर आती है। चार्जिंग जैक से सप्लाई होते हुए इस तरीके से इसके इंटर कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन होने के बाद सप्लाई माइनस हो जाती है। टाइप सी के बारे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से सप्लाई पिन नंबर 4 से सप्लाई निकलती है, पिन नंबर 4 से सप्लाई निकलने के बाद ये पॉजिटिव सप्लाई आगे जाती है, UI पत्ते पे जाती है, UI पत्ते से होते हुए पत्ते को ऊपर जाती है, फिर यहाँ से सप्लाई बीच में पॉइंट बना होता है, कैपेसिटर लगा होता है सप्लाई के बीच में, एक OVP IC से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए तब ये सप्लाई तुम्हारी चार्जिंग IC के अंदर जाती है। कहाँ पर जाती है, चार्जिंग IC के अंदर जाती है। तो चार्जिंग अगर IC की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग चेक करने का सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इसके बारे में जैसा कि दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है DC सप्लाई मशीन से चेक करने वाले हैं कि DC सप्लाई मशीन से चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली बात क्या, चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास DC सप्लाई मशीन होनी चाहिए और इस मशीन को 5 वोल्ट और 3 एम्पीयर पर सेट करेंगे। कहाँ पर सेट करेंगे दोस्तों, 5 वोल्ट और 3 एम्पीयर सेट करेंगे। अच्छा, इससे DC मशीन से तुमको ये भी चेक हो जाएगा कि अगर आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग से अगर शॉर्टिंग है तो ये भी तुमको पता चल जाएगा कि चार्जिंग से शॉर्टिंग का भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हमारी समझने वाले हैं, क्या क्या सारी चीज़ें जो हम लोग समझने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहली बात स्टोर वाली समस्या, दूसरी समस्या चार्ज ना हो, तीसरी समस्या सेट डेड, चौथी समस्या शॉर्टिंग, वो भी चार्जिंग लाइन, अगर चार्जिंग लाइन में शॉर्टिंग होगी तो उसको भी हम लोग इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, जो DC सप्लाई मशीन होती है ये DC सप्लाई मशीन को आप लोग क्या करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 5 वोल्ट और 3 एम्पीयर पर सेट करेंगे। जब दोस्तों आप 5 वोल्ट 3 एम्पीयर पर इसको सेट कर देंगे तो जैसे मान लीजिए आपका जो USB का लाइन होता है जब इसमें आप करंट देंगे तो ये करंट आगे जाएगा, ये 5 वोल्ट करंट आगे जाएगा। अगर 5 वोल्ट करंट यहाँ आगे जाता है और आगे जाने के बाद चार्जिंग IC तक पहुँचता है, चार्जिंग IC के बाद ये करंट तुम्हारा बैटरी कनेक्टर तक जाएगा, तो आपकी DC सप्लाई मशीन है वो एम्पियर को काउंट करेगी। वो क्या करेगी, एम्पियर को काउंट करेगी, एम्पियर को शो करेगी। जैसे सबसे पहली सिचुएशन बनती है कि यदि आपका 5 एम्पियर और 0.2 0.3 0.4 इस तरीके से कई सारे मिली एम्पियर में अगर आपका वोल्टेज आपको दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका चार्जिंग का कनेक्शन ओके जा रहा है। यदि आपने मान लिया चेक किया, सॉरी 5 एम्पियर लिख दिया मैंने, 5 वोल्ट पे यदि हमने सेट किया, 5 वोल्ट पे सेट किया, अब 5 वोल्ट पे सेट करने के बाद 9 एम्पियर मतलब कोई एम्पियर नहीं बताता, तो कोई एम्पियर ना बताने का मतलब है या तो आपका चार्जिंग का लाइन ब्रेक है,
या तो चार्जिंग का लाइन ब्रेक है या तो तुम्हारा भैया जैक खराब है, या तो चार्जिंग कनेक्टर का लाइन खराब है या तो चार्जिंग जैक खराब है। क्यों? क्योंकि जब तक ये करंट चार्जिंग आईसी तक जाएगा नहीं और आईसी से करंट बैटरी पे नहीं जाएगा, जब तक बैटरी के अंदर स्टोर नहीं होगा तब तक एम्पियर नहीं चलने वाले। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा चार्जिंग लाइन ब्रेक है या तो फिर चार्जिंग का जैक खराब हो गया है। यदि तीसरी सिचुएशन आती है कि मान लिया तुमने 5 वोल्ट दिया और इसके एम्पियर हाई हो रहे हैं, 5 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट के बाद क्या हो रहा है, एम्पियर हाई हो रहे हैं। अगर एम्पियर हाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग हो रही है, क्योंकि शॉर्टिंग होगी तभी हाई एम्पियर लेगा, लोड लेगा, करंट की खपत ज्यादा करेगा। जैसे ही करंट की खपत ज्यादा करेगा तो एम्पियर रीडिंग शो करेगा। अगर मान लिया आपके मोबाइल फोन में फुल शॉर्टिंग है तो फुल शॉर्टिंग में क्या हो जाएंगे, वोल्ट भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और एम्पियर तो भैया फुल हो जाएंगे, एम्पियर फुल हो जाएंगे और वोल्टेज 0 हो जाएंगे। तो भी आप मोबाइल फोन में समझ जाएंगे कि आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की लाइन तो बस्ट हो गई है, चार्जिंग की लाइन शॉर्ट हो गई है, फूक गई है, जिस कहां से आपका मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है। अब इसी चीज को हम लोग डीसी सप्लाई मशीन में चेक करेंगे। देखिए इन सब चीजों को चेक करने के लिए सर एक केबल आती है अपने पास, ऐसे ये केबल आती है, इस केबल में ऐसे V8 का केबल है और इसके प्लस माइनस के ये कनेक्शन होते हैं, इनको हम लोग डीसी सप्लाई मशीन में लगा देते हैं। अब हम आपको मदरबोर्ड में चेक करके दिखाते हैं कैसे इस चीज़ को चेक करेंगे। जो रिपेयरिंग करने वाले हैं वो वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि डीसी सप्लाई मशीन है लेकिन डीसी सप्लाई से चार्जिंग की समस्या को तो ठीक ही नहीं कर पाते, बैटरी स्टोर की समस्या के बारे में नहीं जानते। ये वीडियो उनको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मदद करेगा रिपेयरिंग करने के लिए, डीसी मशीन का अच्छा सा यूज कर पाएंगे कि इससे चार्जिंग की समस्या को कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने डीसी मशीन पर चलते हैं, बताने वाले हैं। ये हमारे पास डीसी सप्लाई मशीन है, इस मशीन को हमने ऑन किया। मशीन को ऑन करने के बाद ये देखिए मशीन का रोटेटर का स्विच है, इससे आप कम कर सकते हैं। ये हमारे पास 30 वोल्ट की मशीन है, देखिए 30 वोल्ट है, उसके बाद ये आपका एम्पियर है, ये 5 एम्पियर की मशीन है, 30 वोल्ट 5 एम्पियर की कोराट की मशीन है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, इसमें वोल्टेज का दिया हुआ है, ये एम्पियर का दिया हुआ है। एक ही बार से वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, एक ही बार में एम्पियर को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, ये बटन से बटन डबल मोड में काम करती है, जैसे आप अगर आप इसको दबा कर रखते हैं तो ओवर करंट प्रोटेक्शन चालू हो जाता है, अगर इसको दबा कर रखते हैं तो ये आपका लॉक हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये करंट वैल्यू के लिए काउंट किया, ओवर करंट प्रोटेक्शन हटा दिया। अब हमने मोबाइल फोन में सप्लाई देने के लिए हमको कितना देना है, 5 वोल्ट। एक बार हमारे लड़के ने मोबाइल फोन में 30 वोल्ट सप्लाई डाल दिया चार्जिंग पे, मोबाइल फोन की चार्जिंग आई थी चट से जल गई। तो हम आपको 3 एम्पियर करंट सेट किया, ये देखिए सेट किया ना, हाँ 3 एम्पियर सेट हो गया, अपने मन से आउटपुट आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आपको केबल लिया, प्लस को प्लस लगाया, माइनस को माइनस पे लगा दिया, ये देखिए ऐसा USB आता है, ये DC सप्लाई से चेक करने का काम आता है। जैसे मान लिया मैं आपको कीपैड का भी चेक करा के दिखाता हूँ, एम्पियर एंड्रॉयड का भी चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन ठीक होने के लिए कस्टमर कह रहे हैं मेरे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही, अच्छा चार्जिंग नहीं हो रही, चलो चेक करते हैं। ये चार्जिंग लिया, इसको हमने इसमें बोर्ड में लगाया, देखिए यहाँ पर एम्पियर चालू हो गया, 4 बता रहे हैं एम्पियर। ये एम्पियर जो काउंट करके बताता है तो इसका मतलब है चार्जिंग का कनेक्शन सही है, अगर चार्जिंग का कनेक्शन सही है तभी एम्पियर बताएगा, नहीं तो एम्पियर नहीं बताएगा। अगर एम्पियर नहीं बताएगा तो इसका मतलब चार्जिंग का कनेक्शन नहीं है। देखिए 404 mA बता रहा है, मतलब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे जैसे बैटरी तुम्हारी फुल होती जाएगी, जैसे जैसे बैटरी तुम्हारी चार्ज होती जाएगी, जैसे बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो इसका एम्पियर बिल्कुल 0 हो जाएगा। एम्पियर क्या हो जाएगा, 0, एम्पियर 0, बैटरी फुल। एम्पियर 0 का मतलब क्या है, मोबाइल फ़ोन लोड लेना छोड़ दिया, चार्ज हो गई, बैटरी भर गई। चलिए एंड्रॉयड पे चलते हैं, जितनी बैटरी डाउन होगी ये उतना ही हाई एम्पियर लेगा मोबाइल फ़ोन, जितना ही लोड लेगा उतना एम्पियर देगा। ये मेरे पास एक MI कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, ये देखिए नोट 5 प्रो का भी, इसका भी ज़माना हुआ करता था, फिंगरप्रिंट लगाते ही ऐसे लॉक खुल जाता है। आप चलिए हम बात करते हैं इसको कैसे चेक करेंगे। तो ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन, इसमें हमने चार्जिंग लगाया। सबसे बड़ी दोस्तों जो बात है ना इस वीडियो में, जो कमाल है इसमें फिंगरप्रिंट जो सेट किया है, ये बहुत बड़ी कमाल की बात, ऐसा किसी फ़ोन में नहीं मिलेगा। आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट का ऐसे मज़ा ले सकते हैं। आप चलिए हम बात करते हैं इसको, हमने जैसे मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया, देखिए यहाँ पर चार्जिंग होने लगा, देखिए ये कितना एम्पियर ले रहा है, ये देखिए चार्जिंग शो कर रहा है। चार्जिंग शो करने के बाद इसमें एम्पियर कितना ले रहा है, 1.1, 1 एम्पियर करंट खा रहा है।
क्योंकि इसके अंदर बैटरी 3000, 4000, 5000 या 6000 एमएएच की बैटरी लगी होती है। कितना ले रहा है? इतना एम्पीयर, 84% बैटरी चार्ज है। जैसे बैटरी चार्ज हो जाएगी, 84 से 85 हो जाएगी, 86 हो जाएगी, 87 हो जाएगी, 89 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, जैसे बैटरी चार्ज होगी एम्पीयर गिरेगा। एम्पीयर डाउन, बैटरी फुल। आप आँख मीच कर किसी भी मोबाइल फ़ोन को लगा दीजिए। मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में समस्या आती है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी चार्ज स्टोर नहीं हो रही, ऐसी समस्या आती है, तो उस कंडीशन पर आप इसको डीसी मशीन से लगा दीजिए। डीसी मशीन से आपने देखा इसमें 0.992 ले रहा है, चार्जिंग पर लगा रहने दीजिए, चार्ज होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। आप इसको मत देखिए, इसमें ऐसे ढक दीजिए, आँख मीच लीजिए, इस पर बस आप एम्पीयर इस पर देखते रहिए। जैसे एम्पीयर देखेंगे 993 हैं, और कम हो जाएंगे, 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 धीरे धीरे कर गए 50-40 पे आ जाएगा। जैसे 50-40 पे आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपकी बैटरी फुल हो गई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैटरी चार्ज होगी तो इसका एम्पियर वैल्यू घटेगा। अगर इसका एम्पियर वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब होता है बैटरी चार्ज हो रही है, और इसका घटेगा तो मतलब एम्पियर बैटरी डाउन हो गई। कई मोबाइल फ़ोन ऐसे आते हैं जिसकी बैटरी ख़राब हो जाती है, बैटरी चार्ज ही नहीं होती, तो जब आप उसको यहाँ पर एम्पियर पर लगाएंगे तो वो मात्र 10, 20, 50, 100, 150, 200 ही बताएगा। जब 100, 150, 200 बताएगा तो मिली में बताएगा, तो इसका मतलब वो एम्पियर नहीं ले रहा है। जब आपकी बैटरी एम्पियर, जब बैटरी के अंदर क्या होता है, अगर आपने देखा होगा तो बैटरी का जो मानक होता है, आप लगाइए उस पर, ताकि मैं बच्चों को अच्छे से समझाऊँ। मैंने आपको बताया, जो मैं आपको एम्पियर के बारे में आपको समझा रहा था, कि जैसे हमारा जो एम्पियर है, आप अगर देखेंगे जो बैटरी होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, ये बैटरी जो सेल है, इस बैटरी के अंदर सेल जो होता है ये एमएएच में काउंट होता है, मिली एम्पियर हावर। जैसे जैसे इसका सेल चार्ज होता रहता है, बैटरी चार्ज हो रहा है। अब यहां से आपका जो डीसी मशीन है, जो आपका जो 5 वोल्ट और 3 एम्पियर पे जो आप सेट किए थे, देखेंगे यहां पर जो मिली एम्पियर जो बता रहा है वो 300 बता रहा है, 0.300 बता रहा है। इसका मतलब है क्या? बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। अब अगर मान लिया ये 0.1 एम्पियर बता रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी बैटरी डाउन है। जब आपकी ये बैटरी डाउन हो जाएगी, खाली हो जाएगी बैटरी, तो जल्दी चार्ज होगी। जब जल्दी चार्ज होगी तो अपने अंदर करंट लेगा। जैसे कॉमन सी बात आती है, जैसे बाल्टी नहीं होती, बाल्टी में जब आप पानी डालते हैं, जब बाल्टी में आप पानी डालते हैं, अगर बाल्टी खाली होती तो उसमें फट से पानी ले लेता है, लेकिन जब खाली नहीं होता तो लगता है कहीं फैल ना जाए। टंकी है, टंकी में अगर मतलब अगर आप नीचे से पानी चढ़ा रहे हैं, अगर टंकी भरती हुई चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो पानी की कैपेसिटी, उसके लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? जैसे आपको पानी की प्यास लगी होती है, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, आप गिलास में पानी लेते हैं, तो जैसे आपको प्यास होती है तो पहले तो फटाफट पी जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका प्यास लेवल कम होता रहता है, मतलब आप छक जाते हैं, तो फिर आप उतना पानी तेज़ी से नहीं पी पाते। क्यों नहीं पी पाते? क्योंकि आपके अंदर पानी स्टोर हो गया, आप ऊपर से नहीं जा सकता। उसी तरीके से सेम हमारे यहाँ पर एम्पियर की काउंटिंग्स होती है, कि अगर जब बैटरी खाली होती है, तो बैटरी खाली होगी तो आपका जो डीसी सप्लाई मशीन है, ये 2 एम्पियर भी इसको दे देगा, 2.5 एम्पियर भी दे देगा, 2.2 एम्पियर भी दे देगा। लेकिन जैसे ही बैटरी का लेवल बढ़ता रहेगा, बैटरी चार्ज होता रहेगा, तो ये इसका लेवल जो है नीचे की तरफ गिरने लगेगा, और ये 0.200 पे आ जाएगा, 0.100 पे आ जाएगा, 0.50 में आकर के बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या? आपकी बैटरी चार्ज हो गई, आप खत्म। लेकिन अगर मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फोन आया, उसकी बैटरी डाउन है, और जब आप चार्जिंग पे लगा रहे हैं, और चार्जिंग पे लगाने के बाद 0.100, 150, 200 बता रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका सेल खत्म हो गया, उसका सेल खत्म हो गया, तो एम्पियर नहीं ले रहा है। जब एम्पियर नहीं ले रहा है, तो आपका सर्किट उस बैटरी को चार्ज कैसे कर सकता है? भाई आपका गिलास आपको पानी कैसे पिया सकता है, जब आपका पेट पहले से भरा हुआ है? ये आपके अंदर पेट के अंदर दम ही नहीं है कि आप पानी ले जाओ अंदर। तो उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन में भी होता है, अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी का सेल खराब हो जाता है, बैटरी का सेल वीक हो जाता है, ऐसी कभी कोई परेशानी आती है, तो मोबाइल फ़ोन में बैटरी चार्ज नहीं होती, बैटरी चार्ज स्टोर नहीं होती। तो उस कंडीशन पर हम लोग क्या काम करते हैं, अगर इसका एम्पियर कम लेता है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि इसका बैटरी ख़राब है। आज जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन में नई बैटरी लगाएंगे, तो नई बैटरी लगाते ही आपके मोबाइल फ़ोन में क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही हाई एम्पियर लेना शुरू कर देगा, मतलब हाई एम्पियर लेगा जब बैटरी डाउन होगी, तो जैसे बैटरी चार्ज हो जाएगी तो उसका एम्पियर लेवल गिरता हुआ चला जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी स्टोर हो रही है। तो हमने आज आपको जो बताया कि इस डीसी सप्लाई मशीन के माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग स्टोर ना होना, चार्ज ना होना, सेट डेड होना, शॉर्टिंग होना, ये सारी समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे की वीडियो मिलेंगे। वीडियो को थोड़ा पास में लाएं, ताकि और भी दिखाएंगे बच्चों को किस तरीके से देखो बैटरी चार्ज हो रही है।
अगर आप देखेंगे 0.98 हो गया। दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमने बैटरी लगाई थी तब मोबाइल फ़ोन की बैटरी थी 85% बैटरी चार्ज थी, सॉरी 83-84% बैटरी थी, आपने वीडियो में पहले देखा था। अगर आप देखेंगे इस समय पर 85-86 बैटरी हो गई है। जब 85-86 बैटरी हो गई तो देखिए यहाँ पर इसका एम्पियर रेट गिर गया है, 990 था, 99 था, अब वो 70 पे आ गया है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी इसका एम्पियर और डाउन हो जाएगा, तो इससे पता चल जाता है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोग बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं, उसमें आने वाली समस्याओं को डीसी सप्लाई मशीन से चेक कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, और बहुत उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो आज लोग हमारे चैनल पर सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को काफ़ी शेयर कर रहे हैं और हमको वीडियो शेयर करते हुए भी फोटो डाल रहे हैं कि सर देखिए मैंने आपको चैनल को शेयर किया और कई सारे लोगों को और भी जोड़ा हुआ है, या बहुत ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक पूरे मोबाइल फ़ोन का हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।